भैया के कुछ एल्बम का सॉन्ग शूट हो रहा है आज, इसमें से हम लोग 2 या 3 सॉन्ग वहाँ शूट करेंगे। इसके पहले भी 2-3 दिन हम लोग सॉन्ग को शूट कर चुके हैं एल्बम का। काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, क्योंकि भैया अभी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आप लोग जैसा कि जान ही रहोगे भैया का बलम मुर को रख से तो या उसके अलावा चूहे मुर जवानी, अभी अभी टीचरी से आया बलमुआ के बलम, सारे गाने को भैया का जिस चैनल पर भी गाना आ रहा है अभी, डेंजर से, कई कंपनियों से, वेब से आया जवानी मुरजरा था, तो सारा प्यार दुलार भैया के गाने को मिला। उसी को हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सावन का महीना है तो बोलबम का सॉन्ग होना ही चाहिए भाई महादेव की नगरी में। बिल्कुल। देसी स्टार को कितना देसी स्टाइल में दिखा रहे हैं? देसी स्टार मेरा देसी है ही भैया, उसको दिखाने की जरूरत है ही नहीं। हर बार उनको न्यू देसी लुक ही दिया जाता है हम लोग। और ये हमारे DOP संतोष जी भी हैं और ये मेरे कोरियोग्राफर अनुज भैया भी हैं। हर बार हम लोग नया प्रयास करते हैं कि भैया को अलग अलग तरीके से उनको दिखाया जाए, लोग उनको देखें और पसंद करें, प्यार दुलार करें। कोरियोग्राफी पे समर भैया को किस तरीके से करिए आप? समर भाई का हमारे एक जो स्टाइल है, जैसा उनका नाम वैसा उनको डांस स्टेप, बिल्कुल देसी, देसी से अलग हटके कुछ नहीं उनको चाहिए, टोटल देसी कराइए एकदम जबरदस्त। क्या DOP साहब जी क्या कहिएगा? नमस्ते पहले सबको, एकदम जबरदस्त भैया है सॉन्ग और तहलका मची रहा है, पूरा भैया का गाना बजी रहा है, समर भैया का लगातार चल रहा है सब। चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट शूट कर लिए अभी? बोलबम का तो हम लोग अभी 5-6 सॉन्ग शूट कर चुके हैं। इसके पहले भी 2 सॉन्ग शूट किए थे हम लोग एक शेड्यूल में, 2-3 सॉन्ग हमेशा करते हैं हम लोग। तो देसी सॉन्ग में कैसा डिजाइन करने वाले हैं, मतलब बोलबम में समर भैया को देसी अंदाज में कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं? अब यही तो सबके लिए है कि कुछ पहले से तो हम लोग बता नहीं सकते ना, कुछ उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, वो वीडियो आने के बाद कुछ अलग डिफरेंट दिखेगा भैया। खास करके आप पे जिम्मेदारी आती है क्योंकि डायरेक्टर मेन बॉस होता है जी, तो समर सिंह का जी अभी अभी जो हाल में वीडियो में देख रहा हूँ लंबा लंबा दाढ़ी रखे हुए, उसको कटवा काहे नहीं रहे जी? नहीं ऐसा नहीं, उसको कट जाएगा वो। हाँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि सरप्राइज पैकेज सरप्राइज है वो, 12 तारीख के बाद भैया का वो लुक चेंज हो जाएगा, नए लुक में आएंगे भैया और फिर आप लोगों के पास नए नए गाने उनको नए लुक में मिलेंगे। और अभी भैया का हम लोग एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग शूट किए हैं लेटेस्ट एकदम, बहुत ही तगड़ा, सपना चौहान जी के साथ, और उसका फोटो ही मतलब इतना वायरल हो गया है भैया के साथ कि मतलब बता नहीं सकते। पिछले शेड्यूल में सवाल उसी पे आता हो क्योंकि तो कुछ फोटोग्राफ देखने को मिले जी, तो उसमें सपना चौहान के साथ समर सिंह का नज़दीकिया काफ़ी ज़्यादा क्लोज बोर्डलेस वाली फोटोग्राफ है, क्या दिमाग में थॉट आया? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब काम के प्रति को लेके, मतलब सॉन्ग उसी टाइप का, सॉन्ग उस टाइप का था और सॉन्ग जो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, चूँकि सपना जी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, उनका कितना भी तारीफ किया जाए वो कम है, उनके डांस, उनके एक्सप्रेशन, और चूँकि अभी तक सपना जी का समर जी के साथ कोई सॉन्ग आए नहीं है, ये पहली बार आएगा और अभी तो सावन के बाद ही वो सॉन्ग छूटेगा। हालांकि उनका लुक जो सपना जी का हम लोग ने दिया, मतलब सारे लोगों ने डिज़ाइन किया, मतलब मेरे डिजाइनर ने काफ़ी अच्छा किया है, और सपना जी ने खुद तारीफ किया कि पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ भोजपुरी में समर जी के साथ, इसीलिए फ़ोटो को काफ़ी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मतलब डायरेक्शन में कैसा, मतलब क्योंकि पहली बार अभी समर सिंह के साथ काम करते, जाहिर सी बात है डायरेक्शन का बहुत कमाल रहा। हाँ जबरदस्त, सपना के साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया है, तो सपना जी प्लस समर जी का पहला सॉन्ग होगा ये, अभी तक उन्होंने कोई सॉन्ग किया नहीं है पहला। आज क्या होने वाला, जैसे कहते हैं ना धमाल है, मतलब किस तरीके का, देसी तड़का में होने वाला या फिर वेस्टर्न में? वेस्टर्न, वेस्टर्न में प्रॉपर खाटी वाला होने वाला, पूरा वेस्टर्न है। और फोटो तो आप देख ही लिए भैया, तो फिर बताना ही है। हाँ वेस्टर्न वाला ही लुक है। वेस्टर्न लुक को कोरियोग्राफ करना समर सिंह के लिए कैसा रहा? वो भी बिल्कुल जैसा उनका देसी स्टाइल वैसा उनका वेस्टर्न स्टाइल, सब कुछ बराबर। आपको नहीं लग रहा है कि समर सिंह अब ट्रोल होने वाले हैं फिर से, क्योंकि सपना चौहान खेसारी लाल यादव के नाम से जानी जाती है? नहीं नहीं, देखिए आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट हर लोग के साथ काम करता है, सपना जी ने अभी सबके साथ काम किया, यश जी के साथ भी किया है, सौरभ रायल्स के साथ भी किया है, शिल्पी का भी उन्होंने सिंगल गाना किया है। वहाँ छोटे स्टार के साथ नहीं, बड़े स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े स्टार के साथ ट्रोलिंग होती है? हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों लोगों ने केवल काम के, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके काम को लेके, बस उन्होंने काफ़ी काम अच्छा किया। मतलब तो कब तक ये मार्केट में आने की संभावना? हमको लगता है कि ये सॉन्ग सावन के बाद आ जाएगा। हाँ सावन के बाद आ जाएगा, और बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। मतलब भैया, मतलब सपना जी ने खुद उस सॉन्ग की बहुत तारीफ की कि मुझे बहुत मज़ा आया, उन्होंने भी लोहा मान लिया, लोहा मान लिया उन्होंने पोस्ट भी किया है कि लोहा मान गए हैं।
लोहा मतलब आशीष विद्यार्थी का लोहा मान लिया आशीष समर सिंह का माने पूरी टीम का उन्होंने माना, पूरी ऑल टीम का उन्होंने माना। अभी फिर बैक टू बैक उनके गाने भी शूट होने जा रहे हैं दिल्ली में समर जी के साथ ही, कुछ गाने हिमाचल में भी शूट होने जा रहे हैं, सैड सॉन्ग भैया के ने गाया है उसको जाके हम लोग पहाड़ पे ही शूट करेंगे हिमाचल पे। तो मतलब समर सिंह का जो एक तरीके से जो ग्राफ जो बढ़ रहा है वो कंटिन्यू बढ़ाने का जिम्मा कहीं ना कहीं आपका है? नहीं मेरा नहीं है, मेरे सारे श्रोता लोग का है, मेरी पूरी टीम का है, मतलब हम लोग की एक भैया टीम ने सब लोग सारे लोग मेहनत करते हैं, श्रोता तो हम लोग के लिए भगवान है भैया, क्योंकि हम लोग इतना दिन भर मेहनत करके आप देखिए ना इतनी गर्मी है उमस है मेहनत करके बना, अगर लोगों को पसंद आता है तो समझिए हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है भैया। तो इसलिए ये एक सैड सॉन्ग का भी फुटेज था जो हम लोग का बच्चा है उसको हम लोग करेंगे, सैड सॉन्ग भैया ने अभी बहुत दिन बाद गाया है मतलब को लगता है, और वो भी सावन के बाद ही छूटेगा, वो एक वीडियो का हिस्सा है, वो सैड सॉन्ग भी बहुत ही जबरदस्त शूट हुआ है भैया, मतलब एकदम भैया को नए लुक में देखेंगे उसमें, काफ़ी अच्छा सॉन्ग वो भी है भैया। फैन से क्या कहिएगा भैया? फैन से बोलेंगे कि हमारे जितने भी बनाए हुए ऑडियो वीडियो हैं भैया के जितने भी हैं इसका भी हम लोग बनाते हैं, सबको अपना प्यार दुलार आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए, अच्छुए महुआ जवानी अभी तो बहुत ज़बरदस्त चली रहा है, बलम मोर कुराग से तो यह चली रहा है, बलमुआ के बलम चली रहा है, सब गाने चल रहे हैं, सबको इसी तरह प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए, सारे भाइयों को एकदम आगे बढ़ाते रहिए, दिल से सबको लव यू, थैंक यू।